स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम का अगला सेक्शन, और हम आ गए थे पी वी इक्वल टू एनआरटी वाला जो सेक्शन था, प्रॉब्लम 7.8। मैंने बताया था कल भी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है वो। अब हम करेंगे प्रॉब्लम 7.4, और थोड़ी सी ऐसे क्वेश्चन की लिस्ट है जो हमें परफेक्ट कर देगी इस सेक्शन के न्यूमेरिकल जो है हमारे पहले पार्ट के, इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट जो है इसके न्यूमेरिकल जो है वो खत्म हो जाएंगे। देखते हैं अब हमारे पास जो है वो है प्रॉब्लम 4। प्रॉब्लम 4 ये रहा, ठीक है भाई, अब अगले प्रोजेक्ट पे लग रहे हम। ये है हमारा प्रॉब्लम 4 का पोर्शन, चेक कर लेते हैं इसको भी। द वैल्यू ऑफ के सी गिवन है, ओके, 800 केल्विन पे, ओके। CO जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, H2 में डालेंगे तो ये जो बना है आपका CO2 प्लस H2, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। कैलकुलेट, क्या कोई वैसे बता सकता है CO प्लस में H2 को क्या कहते हैं? एक होता है CO प्लस H2, एक होता है CO प्लस N2, कलेक्टिवली इसको क्या कहते हैं CO प्लस H2? इसका नाम है सिंथेसिस गैस, जिसको शॉर्ट में सिन गैस बोलते हैं। और दूसरे वाला होता है जो अभी NDA में भी आया था क्वेश्चन, इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। ये रजिस्टर के टॉप पे लिख लेना, हाइड्रोजन चैप्टर स्टार्ट होने ही वाला है, अगला इससे अगला चैप्टर वही है, ठीक है। तो अभी हमारे पास जो लिस्ट है क्वेश्चन की वो ये है, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब उन्होंने कहा इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन निकाल के दिखाओ सभी की, CO, H2O, CO2, H2 सभी की निकालनी है। अगर इनिशियली अगर CO और H2 को आप दोनों को क्या लेके चल रहे हो इनिशियली ये, और इक्विलिब्रियम को अटेन करने के लिए छोड़ दिया गया है, ठीक है ना, और इनिशियली आप इसको दोनों की कंसंट्रेशन कितनी लेके चल रहे हो, 0.1 0.1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, CO प्लस H2O। ये देखो क्वेश्चन में हमारे पास हम कर रहे हैं प्रॉब्लम 7.4 को, और क्वेश्चन है क्या, CO प्लस में H2O विल गिव यू CO2 प्लस में H2, ठीक है। अब सभी गैस फेज में है, इनिशियल अगर मैं बोलूं तो इनिशियली हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, 0.10 मोलैरिटी, ये 0.0। एट इक्विलिब्रियम पे क्या होने वाला है, वही जो हमने सीखा है, यहाँ x करेंगे, यहाँ x करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0.1 माइनस x, ये क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 है तो 0.1 माइनस x, ठीक है। अब हमारे पास kc की वैल्यू गिवन है तो kc हम लिख लेते हैं इसका, kc का रिप्रेजेंटेशन आपको याद होगा गैस फेज लेने होते हैं, गैस फेज, ठीक है। तो केसी के रिप्रेजेंटेशन में CO2 जो कि गैस फेज है, H2 जो कि गैस फेज है, और CO जो कि गैस फेज है, और यहाँ H2O जो कि गैस फेज है, ये हम ले चुके हैं, ठीक है। अब केसी की जो वैल्यू है वो दे रखी है क्वेश्चन में 4.24, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, x इंटू एक्स, और इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 0.1 माइनस x, 0.1 माइनस x, जाहिर सी बात है दोनों का स्क्वायर हो गया, तो 4.24, और यहाँ x का स्क्वायर है, यहाँ 0.1 माइनस x का स्क्वायर है, दोनों का होल स्क्वायर है, तो दोनों को होल स्क्वायर भी बोल सकते हैं। स्क्वायर को वहां ले जाओ अंडर रूट 4.24, इसको बाहर निकालने में आप परफेक्ट हो, पहले भी निकाला है 0.1 माइनस x, इसको अगर आपने बाहर निकाला तो आएगा आपका 2.04 इज इक्वल टू x अपॉन में 1 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे यहां से, और x की वैल्यू हमारे सामने जो आएगी वो आएगी 0.068। अब जैसे ही x की वैल्यू आ गया फिर तो सारा आंसर आ ही गया, फिर तो कुछ है ही नहीं। CO की कंसंट्रेशन है 0.1 माइनस x, का मतलब है 0.1 माइनस में 0.068,
तो इसका आंसर क्या है आपका 0.0232 सिमिलरली दूसरा भी यही आएगा H2O भी यही सेम है 0.1 - X है तो जाहिर सी बात है इसका आंसर भी यही आएगा। अच्छा दूसरा है CO2 इसकी वैल्यू X है तो ये आ जाएगी 0.068 H2 इसकी वैल्यू भी X है तो आ जाएगी 0.068 मोलैरिटी ये आपका ये क्वेश्चन भी हो गया सो ठीक है। अब कुछ चीज है जो मैं आपको करेक्शन कर लूं मैंने इंटरनेट पे चेक करा है इसको और अच्छी तरह से इस साल अपडेट कर रहा हूं मैं। केपी इज इक्वल टू KCRT की पावर क्या होती है रेज योर हैंड RT की पावर क्या होगी लक्ष्य बताइए डेल्टा एन तो आज मैं करेक्शन करवा रहा हूँ इसकी आंसर है डेल्टा एन और जी का मतलब गैसेज लेना है और ये बात कंफर्म है आप बिल्कुल कंफर्म है याद रखना हालांकि मैंने बताई नहीं थी पहले मैं बोल रहा था डेल्टा एन में पूरे कोई प्रोडक्ट को माइनस को कर दो रिएक्टेंट को ये होगा लेकिन आंसर क्या है एन जी। एक चीज और हम ऐसा करते क्यों है हम जी को ही क्यों ले रहे हैं आपने ध्यान दिया होगा एक बहुत खास चीज पे ध्यान दिया होगा कैल्शियम कार्बोनेट जो कि है सॉलिड फेज में जब भी कन्वर्ट होगा कैल्शियम ऑक्साइड जो कि है सॉलिड फेज में प्लस में CO2 जो कि है गैस फेज में। अगर मैं आपसे कहूं कि KC का रिप्रेजेंटेशन करके दिखाओ रेज योर हैंड आंसर क्या होगा रेज योर हैंड नितेश बताइए क्या आंसर होगा BSCO2 की पावर 1/1 वेरी गुड भाई ये आंसर इसने बताया बिल्कुल ठीक है हमने गैस फेज को लिया है CO2 की पावर 1/1 में कुछ है ही नहीं सॉलिड लेते ही नहीं 1। अब मैं आपको बता रहा हूँ सॉलिड क्यों नहीं लेते और क्यों हम ऊपर डेल्टा एनजी ले रहे हैं ठीक है ना तो क्यों नहीं लेते हम सॉलिड जो गैस होते हैं ना अगर किसी कंटेनर के अंदर देखोगे तो एक आपने छोटा सा अगर मान लो इतना भी सॉलिड ले लिया ठीक है तो आप मान लो आपने छोटी सी सेंस में बताऊंगा अगर एक कंटेनर के अंदर इतना सा भी सॉलिड ले लिया तो उसके अंदर 100 करोड़ तो मैं ज्यादा कंफ्यूज ना नहीं करना मुझे तो उसके अंदर 1 करोड़ यानी 100 लाख पार्टिकल्स हैं सॉलिड के अंदर और गैस स्पेस ऑफ भी ऑक्यूपाई करते हैं गैस पार्टिकल और कम भी होते हैं इसके कंपैरिजन में ये कितने हैं इसके कंपैरिजन में मान लो 1 लाख तो अब मुझे समझाओ जब ये 1 लाख कन्वर्ट होंगे बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ठीक है ना 1 लाख कन्वर्ट होंगे तो 1 लाख कन्वर्ट होंगे तो आप कुछ ज्यादा दिखेंगे चलो ये 1 लाख कन्वर्ट हो गए तो ये 1 लाख है तो इसका भी 1 लाख लेगा ये क्योंकि दोनों 1/1 mole है ना इसका 1 लाख चलो कम हो गया तो बच कितना गया 99 लाख अभी भी बचा हुआ है ये तो कहने का मतलब है क्या तुम CO2 में कोई चेंज मानोगे आप कहोगे बिगेस्ट चेंज बेचारे 1 लाख के 1 लाख कन्वर्ट हो गए सारे कन्वर्ट हो गए अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आप CO में भी कोई चेंज मानोगे आपके पास 100 लाख लड्डू हैं या फिर 100 लाख जो भी है उसमें से 1 लाख कोई भी सब्सटेंस 100 लाख बोल है और 1 लाख बोल कम हुई तो क्या 99 लाख जो आपके पास हैं उसमें क्या आप उसको मेजर चेंज मानोगे इसकी तो पूरी लाइफ उजड़गी ना कि देखो 1 लाख के 1 लाख ही कन्वर्ट हो गए तो सारे इसमें क्या चेंज आया देयर इज नो एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ चेंज देयर कुछ चेंज नहीं आया इसमें इसीलिए हम इस सॉलिड को क्या मान लेते हैं कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं 1 देयर इज नो एनी एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ चेंज कुछ ज्यादा चेंज इसमें नहीं आया
ठीक है ना। तो ये बहुत बढ़िया तरीका है इसको समझने का, तो इसलिए हम इस सॉलिड को करते हैं इग्नोर। सेम केस विल गो विद लिक्विड, गैस को लेते हैं लेकिन लिक्विड को नहीं लेते हैं। क्यों? इसके कंपैरिजन में ये भी बहुत ज्यादा होते हैं, ये 1 लाख लिक्विड में 80 लाख, ये तो सारे कन्वर्ट हो जाएंगे लेकिन ये 79 लाख 9 लाख बच जाएंगे। तो लिक्विड को भी इग्नोर कर देते हैं, वो भी देयर इज नो एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ चेंज टू बी सीन इन लिक्विड एंड सॉलिड ऑल्सो। एक्वस को ले लेते हैं, एक्वस को लेना आप, ठीक है ना। तो याद रखना इसको भी, ये दो चीजें बात थी जो मेरे को बतानी थी और ये हो गए हैं अब खत्म। अब फिर से आ जाते हैं अपनी उसी लाइफ में और आगे चीजें करते हैं, ठीक है। KP is equal to KC RT की पावर डेल्टा n, ये डेरिवेशन जो की थी बहुत खास थी, भूलना मत इसको। अब हम चलते हैं एक और न्यूमेरिकल की तरफ, फिर हम एप्लीकेशन पे आ जाएंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के। न्यूमेरिकल नंबर 15 आपकी एक्सरसाइज 15। ये है आपकी एक्सरसाइज और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा। क्या है इस क्वेश्चन में? 700 केल्विन पर, ठीक है, 700 केल्विन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो रिएक्शन की है वो दे दी उन्होंने। ये इस इतने मोल पर लीटर ऑफ HI इज प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम, अगर हम रिएक्शन की शुरुआत HI से करें और इतना इनिशियली लेके चलें, तो बताओ H2 की I2 की कंसंट्रेशन क्या होगी। अगर हम शुरुआत करें भी इनिशियली स्टार्ट विद HI से शुरुआत करें, यहाँ किससे शुरुआत हुई है? H2 और I2 से, बट वो कह रहा है HI से शुरुआत करके दिखाओ और अलाउ कर दो उसको इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए। तो आसान केस है, हम क्या करेंगे इसके लिए? हम इसके लिए करेंगे, देखो HI से शुरुआत बोल रहा है तो हम इस रिएक्शन में जो कि बोल रखा है, क्या हम कर रहे हैं 7.15 एक्सरसाइज का क्वेश्चन, बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम और टाइमली बहुत चीजें खत्म हो रही हैं जल्दी जल्दी। ये गैस फेज है I2, ये गैस फेज है ये 2HI, ये भी एक गैस फेज, ठीक है। अब इसके अंदर जो KC की वैल्यू दे रखी है वो कितनी थी क्वेश्चन में? 54.8 ये KC है इसकी, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि भाई HI से शुरुआत करो। हाँ ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है इसके लिए KC की वैल्यू इतनी है, वो कह रहा है HI से शुरुआत करो, तो हम क्या करेंगे भाई? ठीक है, H2 प्लस I2, यहाँ पे क्या लिखेंगे? इनिशियल कितने लेके चले हैं HI, ये है आपका 0.5 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो ये 0.0। तो बताइए इस रिएक्शन के लिए ये जो वैल्यू है KC की वो ये है, तो बताइए इस रिएक्शन के लिए KC की वैल्यू क्या होगी? रेज योर हैंड देवेश, बताइए। 1/54.8 एग्जैक्टली, इसे कहते हैं रिवर्स, यानी यहाँ जो KC है आपका उसे हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे उसे KC डैश, जो कि होता है 1/KC, जो कि होगा 1/54.8। कैलकुलेशन करने मत बैठ जियो बाकी बच्चों की तरह, इतना बहुत है। अब देखो आगे क्या होगा, आगे होगा ये कि यहाँ एट इक्विलिब्रियम लिखेंगे तो यहाँ क्या जाएगा? x, यहाँ क्या जाएगा? x, यहाँ क्या जाएगा? 0.5 - x। बताइए क्या गलती की है मैंने? रेज योर हैंड, मैंने क्या गलती की है? वेरी गुड, इतने बच्चों ने गलती निकाल दी, बहुत बढ़िया। रितु, क्या गलती की है मैंने? हाँ, यहाँ x की जगह क्या होना चाहिए था? 2x होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 2 है। बस ये चीज छोटी छोटी देखनी होती है। अब आपको क्या करना है? वही KC का फॉर्मूला लगाना है, KC, क्योंकि KC हमारा डैश के लिए है, तो KC डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? आ जाएगा हमारा H2 और यहाँ आ जाएगा I2, यहाँ आ जाएगा आपका क्या? HI का स्क्वायर, यहाँ का KC डैश मान रखा है शुरू से ही। KC डैश की वैल्यू क्या है भाई? 1/54.8। यहाँ वैल्यू क्या आएगी? x इंटू x डिवाइड बाय
0.5 माइनस 2x की पावर 2 है तो पावर 2 है, अभी भी घबराना नहीं है आपको, ठीक है। क्या देखो, अभी भी हमारा जो पोर्शन है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है, और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हम ये कर सकते हैं, 1/54.8 is equal to x square, और ये वाली वैल्यू भी स्क्वायर है, तो होल वैल्यू हम क्या मान लेंगे, स्क्वायर, फिर से स्क्वायर रूट, यानी कुल मिला के इक्विलिब्रियम हमें ये सिखा रहा है स्क्वायर रूट कैसे करना है। जिस बच्चे को स्क्वायर रूट करना आ रहा होगा यार, वो तो भाई सच्ची में फ्री के नंबर ले जाएगा, और जिसको नहीं आ रहा अभी भी, तो कैसे ना कैसे सीख लो भाई उसको। मैं होता तो कुछ ऐसे करता, वन का स्क्वायर रूट कर देता भाई, वन आ गया, एक तो यानी से जगह भी, तो देखो मैं होता तो इसको कुछ ऐसे करता, वन का स्क्वायर रूट वन हो गया, इसका स्क्वायर रूट करना है तो 54 पॉइंट, ज्यादा नहीं, पॉइंट के बाद एक डिजिट इनफ होती है यार, बहुत इनफ होती है, कुछ नहीं तो जीरो लगा दो यार। अच्छा 7 7 जा 49, तो कितना आ गया 5, 7 7 14 कर दो, 80 भी कर दो, पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लगा दो। अब इसको बताओ किस पे जाएगा, ये 3 पे 4 पे किस पे जा रहा है, 5 पे तो नहीं जा रहा, 4 पे जा रहा है, 4 4 जा 16, यस 4 पे जा रहा है, 7.4 खत्म यार, इतना ही बहुत है, हो गया खत्म। चलो आगे चलते हैं, x अपॉन में 0.5 माइनस का 2x क्रॉस मल्टीप्लाई, और ये आपका x का आंसर आ गया 0.053, ये तो चाहिए था। तो उन्होंने कहा है कि कंसंट्रेशन निकाल के दिखाओ तीनों की, तो निकाल दो तीनों की कंसंट्रेशन, इसकी तो ये आ गई आपकी 0.053 मोलैरिटी, और खेल खत्म। तो ये पोर्शन भी यहां तक हो गया आपका खत्म। अब हम आ जाते हैं अपने एनसीईआरटी में, चलते 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 हमारे कई सारे जो टॉपिक हैं वो हो चुके हैं खत्म, और अब हम एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे आ गए हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं, देखो हमने जो खत्म किया उसके अंदर होमोजेनस इक्विलिब्रियम, हेटरोजेनस इक्विलिब्रियम, ये हो गया खत्म, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस फेज, ये भी सारा खत्म कर लिया हमने, याद है पी इक्वल टू एनआरटी कर करके, ठीक है, ये के पी इक्वल टू केसीआरटी की पावर डेल्टा एन, ये भी खत्म हो गया। न्यूमेरिकल सेक्शन में बहुत से न्यूमेरिकल कर दिए हमने, ये सारे न्यूमेरिकल खत्म हो चुके हैं, कुछ नहीं है इसमें प्रॉब्लम, सब प्रॉब्लम खत्म, ठीक है। हेटरोजेनस इक्विलिब्रियम क्या होता है, डिफरेंट फेज वाला, ये भी खत्म, ठीक है। ये जो के पी की वैल्यू है, के सी की वैल्यू है, 7.6 न्यूमेरिकल जो है ये आपका, इसको भी लिख लो भाई, इसको भी क्यों छोड़ा, जब इतना खत्म कर लिया, ये होमवर्क है और जरूर मेरे पास सेंड करना, इनिशियली बोल दिया तो ये है, आई थिंक ये होमवर्क दिया भी था, बिल्कुल ये दिया भी था। अब हम जो आ गए हैं वो आ गए हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। अच्छा एक बार एग्जाम में क्या आया था क्वेश्चन, कि एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट करो, तो बच्चों ने क्या करा, मैंने वैसे बता दिया था कि भाई ये एग्जाम में आएगा, तो बच्चों ने क्या किया, जल्दबाजी में चीटिंग बनाई, और चीटिंग बना के ये 4 एप्लीकेशन लिखा है वो। बाद में घर आके पता लगा उनको, यहाँ पर हमने डिस्कशन किया तो पता लगा यार ये एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये नहीं थे, वो तो ये थे एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, 3 एप्लीकेशन थे और वो ये कराए। तो फिर ये क्या है, ये क्या है, लेट अस समराइज द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये सिर्फ इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं और ये एप्लीकेशन है, 3 एप्लीकेशन, ठीक है। तो अभी हम ये यहीं से शुरुआत करते हैं इसकी, और बहुत जल्दी ये अब ले चैटेलियर प्रिंसिपल रहता है हमारा इसके बाद, और ये खत्म हो जाएगा, ये ले चैटेलियर प्रिंसिपल जो है यहाँ पे इफेक्ट के, ले चैटेलियर प्रिंसिपल मतलब ऐसा प्रिंसिपल जो एग्जाम में आएगा ही आएगा, इसे 100% बोलते हैं, ये आएगा ही आएगा, चाहे कुछ आए इसका आएगा जरूर, ले चैटेलियर प्रिंसिपल।
और छोटी छोटी चीजें रहती हैं। अब तो खैर पहला पार्ट हमारा लगभग लगभग हम बहुत नजदीक हैं इसके खत्म करने के, तो चलो शुरुआत कर लेते हैं एक बार इसकी, कहाँ से, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से एक एक करके। तो टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नंबर वन, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर भी डिस्कस करेंगे। पहले एप्लीकेशन नंबर वन, पहली एप्लीकेशन क्या है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर इनडिपेंडेंट ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चलो बताओ, जब आप केसी निकालते हो तो आपको किससे मतलब होता है, इनिशियल से या फिर एट इक्विलिब्रियम की वैल्यू से? इतने न्यूमेरिकल करने के बाद तो तुम एप्लीकेशन को चुटकियों में कर दोगे। जब तुम केसी निकालते हो, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो किसकी वैल्यूज को पुट करते हो यहाँ पर, रेज योर हैंड, इनिशियल की वैल्यू पुट करते हो या एट इक्विलिब्रियम की? लक्ष्य बताइए भैया, एट इक्विलिब्रियम की। एट इक्विलिब्रियम की वैल्यू को हम पुट करते हैं हमेशा हमेशा। तो इसका मतलब पहला जो पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आर, द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी केसी आर इनडिपेंडेंट, इनडिपेंडेंट किस पर, ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं होती है। सेकेंड एप्लीकेशन, केसी इनवर्स जो होता है वो इक्वल होता है 1/KC के, ये तो सबसे आसान था। थर्ड, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैड अटेन इक्विलिब्रियम। ये बात भी हमें पता थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, जब ही एप्लीकेबल होगा, ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या अटेन, हैज अटेन्ड द इक्विलिब्रियम, हैज अटेन्ड द इक्विलिब्रियम, तभी एप्लीकेबल है इक्विलिब्रियम। ठीक है ना, तो ये बात भी पता ही थी यार हमें। नंबर फोर है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये आगे चल के इसका पता लग जाएगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ठीक है ना, टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, क्यों, आपने देखा होगा KP = KCRT/ΔN, तो यहाँ टेम्परेचर कम ज्यादा होगा तो केसी की वैल्यू भी कम ज्यादा होगी, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट तो है ये। तो ये थी आपकी चार एप्लीकेशन, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ कौन सी है। एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्रेडिक्ट एक्सटेंट डायरेक्शन, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, अभी मैं यहाँ बिल्कुल करेक्ट कर देता हूँ, ये है आपकी इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये चारों थे जो क्या थे आपके, यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इस बच्चे ने कर दी गलती, ये भी इसी ट्रैप में फंस गया। ये क्या थे आपके, ये थे आपके इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये चार इम्पोर्टेंट फीचर थे इसके, 1, 2, 3, 4। अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन क्या क्या होंगे। पहला एप्लीकेशन, तीन एप्लीकेशन है भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम कर क्या सकते हैं, हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड। अगला ही टॉपिक है प्रेडिक्ट एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, प्रेडिक्ट डायरेक्शन इससे अगला टॉपिक है। ये देखो, ये रहा प्रेडिक्ट डायरेक्शन, प्रेडिक्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ये हम कर चुके हैं, प्रेडिक्ट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। आपने अभी अभी देखा
कि केसी की वैल्यू क्या थी 4.24, तो इसकी हेल्प लेकर हम क्या कर सकते थे, इसकी हेल्प लेकर हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले इसकी हेल्प से कंसंट्रेशन किसकी निकाल दी थी, पीओ की कंसंट्रेशन निकाल दी थी, H2O की कंसंट्रेशन निकाल दी थी, CO2 की कंसंट्रेशन निकाल दी थी, H2 की कंसंट्रेशन, यानी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू की हेल्प लेकर सभी कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। नंबर थर्ड में किसी को डाउट हो तो पूछो, फर्स्ट और सेकंड हम करने वाले ही हैं, अभी अगला है वही है, थर्ड में किसी को भी डाउट हो तो पूछो भाई, बहुत सिंपल है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प लेकर अभी हम कर क्या रहे हैं, दो दिन से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प ले लेकर सभी की कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। किसी को भी कोई डाउट हो इसमें तो पूछो भाई, रेज योर हैंड। राइट, नितेश बताइए क्या डाउट है इसमें। थर्ड पॉइंट कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कांस्टेंट से कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं, उसके लिए हमें किसी एक ना एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की तो चाहिए ही ना कंसंट्रेशन। हाँ बिल्कुल चाहिए, हमें सिर्फ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चाहिए होगी, बट हेल्प तो इसकी हुई है, हेल्प तो इसकी हुई है, अगर ये नहीं है तो फिर तो कुछ होगा ही नहीं। तो ये भी वही बात बोल रहा है जो आपने बोला है कि ये हेल्प तो करेगा कैलकुलेट करने में बाकी, ठीक है ना, तो इसका एक पार्ट तो रोल तो है, ठीक है। तो अब हम इनके दो इम्पोर्टेंस जो हैं अभी फिलहाल आप लिख सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की 1, 2, 3, तीसरी तो आपको समझ में आएगी, खैर 1 और 2 अब हम करने वाले हैं। तो अगला ही टॉपिक है हमारा क्या, एप्लीकेशन का नंबर 1, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। बहुत आसान आसान टॉपिक रह गए अब तो इसके, प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। तो हम अब करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसमें पहला एप्लीकेशन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का क्या, प्रेडिक्ट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प लेके हम डायरेक्शन भी बता सकते हैं कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है या बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, हालांकि दोनों डायरेक्शन में जाती है, लेकिन जैसे केसी की हेल्प लेके हम बता सकते हैं फिलहाल ये कौन सी डायरेक्शन में ज्यादा जा रही है और कौन सी डायरेक्शन में कम जा रही है। देखो ये कुछ डायग्राम है, ये है आपका क्यूसी, ये है आपका केसी। क्यूसी क्या होता है अभी मैं सारा कुछ बता दूंगा, थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। दिस इज योर क्यूसी, दिस इज योर केसी। अगला, अगले डायग्राम में दोनों बराबर हैं, क्यूसी केसी। अगले डायग्राम में एक कम है और एक ज्यादा है। ओके, ये तो पहले बन चुका है। अगले डायग्राम में एक ज्यादा है और एक कम है, दिस इज योर क्यूसी एंड दिस इज योर केसी। अब कईयों के दिमाग में जो चल रहा होगा वो ये कि यार केसी तो हम जानते हैं, ये क्यूसी क्या है। क्यूसी तो मैं आपको एक पहले क्यूसी के बारे में बता देता हूँ ताकि बाद में आपको ये ना लगे सर ये क्यूसी कहाँ से आएगा और कैसा है ये। जैसे नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये इक्विलिब्रियम बन गया आपका NH3, ठीक है। शुरुआत में इनिशियली मान लो ये 10 मोलर है, ये 10 मोलर है, तो ये तो जीरो था ना, ठीक है, जीरो था। अब सुनना जरा ध्यान से, मान लो 10 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, ठीक है, इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, यानी एट इक्विलिब्रियम 10 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो गया, कुछ भी हो सकता है, मान लो ये 4 है, ये 6 है, ये 5 है, बस यहीं पे आके रुक गया भी,
ठीक है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, ना तो कोई ज्यादा बढ़ रहा घट रहा कुछ नहीं है। तो ये 10 मिनट के बाद जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है और हम ऑब्जर्व करते हैं इक्विलिब्रियम अटेन होने के बाद, उसे बोलते हैं केसी। केसी आपको याद होगा हमेशा हम कब लिखते थे, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है, एट इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू लिखते थे, जैसे 5/4 × 6, राइट। लेकिन क्यूसी क्या होता है, क्यूसी से भी कमाल की चीज है। क्यूसी वेट नहीं करता कि मुझे 10 मिनट के बाद ही चेक करो, क्यूसी कहता है मुझे 1 मिनट के बाद, 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद, कभी भी चेक कर लो मुझे, उसे कहते हैं हम क्यूसी। तो क्यूसी जो है वो भी यही होता है, लेकिन वो किसी भी टाइम आप ले सकते हो। जैसे मान लो 1 मिनट के बाद कंसंट्रेशन क्या थी भाई, 1 मिनट के बाद कंसंट्रेशन कुछ ये थी, 1 मिनट के बाद कंसंट्रेशन थी 9, ये 8, ये 2, ये थी। तो अब हम क्या कर रहे हैं, 2, 9 × 8, तो ये आपका क्या माना जाएगा, क्यूसी। अब सोच के बताओ, सोच के बताओ, 1 मिनट के बाद की वैल्यू बोली है मैंने, 10 मिनट के बाद इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा तो बात सच है। तो आप सोच के बताओ, क्या कभी तुम इसकी जगह केसी लिख सकते हो, 2/9 × 8? रेज योर हैंड, क्या तुम केसी लिख सकते हो इसकी जगह, रेज योर हैंड। मितेश बताइए भैया, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा जब लिख सकते हैं शायद। हाँ, केसी तभी लिख सकते हैं जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा, क्यूसी तब लिख सकते हैं जब टाइम कुछ भी हो, इक्विलिब्रियम अटेन ना हुआ हो, हुआ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्यूसी को। क्यूसी को, क्यूसी तो कहता है मेरे को तो 1, 2, 3, 10 मिनट के बाद कभी भी यूज कर लो मेरे को, तो वट एवर योर टाइम, उसे बोलते हैं क्यूसी। और केसी कब होगा, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा तभी बोलते हैं, इसको बोलते हैं केसी। तो होप आपको क्यूसी और केसी के बीच में डिफरेंस अच्छी तरह से पता लग गया हो। और आगे चलते हैं, अब देखो एक बार ध्यान से, अगर मान लो ऐसी कभी भी कंडीशन आई क्यूसी और केसी की, यानी क्यूसी यहां पर क्या है, लेस है ये केसी से, तो समझ जाओ इक्विलिब्रियम की डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। सीधी सी बात है यार, क्यूसी कम कब होगा, कम कब होगा, क्यूसी की वैल्यू देखो ये कम है ना, किससे, केसी से। क्यूसी की वैल्यू देखो ऊपर न्यूमरेटर जो है, अगर कम आएगा तो आंसर भी तो कम ही आएगा यार। तो कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि अभी 1 ही मिनट हुआ है, रुक जाओ, अभी और भी प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं अमोनिया के, यानी कहां डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड डायरेक्शन। या तो समझ लो या तो भाई रट लो, ये रहा, ये तो रटना ही पड़ेगा। अच्छा, अगर ये कंडीशन होती है कि उसे ज्यादा ही होता है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ये बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों में अगर क्यूसी इक्वल है तो हम क्या बोल देंगे इसको, एट इक्विलिब्रियम, इसको बोल देंगे हम ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, ये है सारा खेल और कुछ नहीं है ये, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, एक बार न्यूमेरिकल देखो ताकि आपको और अच्छी तरह से पता लग जाए। एनसीईआरटी प्रॉब्लम 7.7 में चलते हैं, प्रॉब्लम 7.7, एक्सरसाइज प्रॉब्लम 7.7। ये 7.7 है, देखना है पर कैसे इसको खेलते हैं। 2a + b + c की वैल्यू ये आ गई, एट गिवन टाइम द कंपोजिशन रिएक्शन मिक्सर इज ABC, ये सारी ये है, इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, हम क्या करेंगे। देखो इन्होंने किसकी वैल्यू दे दी है, यहाँ पे केसी की वैल्यू गिवन दे दी है इन्होंने,
the Kc for the reaction is this. ठीक है, तो Kc reaction की आपको पता लग गई Kc की value 2 × 10⁻³। अब आपको बताना है QC निकाल के, तो QC तो भाई किसी भी टाइम निकाल सकते हैं, QC निकाल लो, Kc तो गिवन है। QC इज इक्वल टू क्या, B इंटू में C डिवाइडेड बाई A की पावर 2। और अब QC की वैल्यू निकालता हूं मैं, B की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁴ इंटू 3 × 10⁻⁴ डिवाइडेड बाई A की वैल्यू क्या है, 3 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। आंसर क्या आया, आंसर क्या आया, 1। QC की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो QC और KC दोनों को चेक करके बताओ कि QC की वैल्यू कम है या ज्यादा है, रेज योर हैंड, QC की वैल्यू कम है या ज्यादा है। शशांक बताइए। सर QC ज्यादा है। वेरी गुड, QC की वैल्यू ज्यादा है भाई। तो यहाँ हम कौन से केस पे आ गए, अगर हम ध्यान से देखें QC और KC की वैल्यू को, तो predict the direction, 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 ये है, direction, direction अगर मैं पूछूं, अब वो diagram जो आपको बताया था उसमें QC और KC में ये value ज्यादा है, तो बताइए direction कौन सी हो जाएगी, raise your hand, जो अभी अभी डायरेक्ट वो बताया था, डायरेक्शन। निखिल बताइए डायरेक्शन। भैया फॉरवर्ड डायरेक्शन। देवेश बताइए डायरेक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन। वेरी गुड, डायरेक्शन हो जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन, जो अभी अभी आपको डायग्राम बताया था यार, एनसीईआरटी का डायग्राम देख लो, कहाँ गया, ये देखो, ये QC की वैल्यू ज्यादा है KC से, तो कौन सी डायरेक्शन है, बैकवर्ड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दिखा रखी उन्होंने, बैकवर्ड डायरेक्शन, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ऐसे हमें आंसर देना है। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल 7.7, और ये प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ VA भी आपको अच्छी तरह से आ गया होगा, किस तरीके से हमें डायरेक्शन बतानी है, हर बार QC और KC की वैल्यू इसी तरह से आपके सामने आएगी, ठीक है, जैसे इन्होंने ये क्वेश्चन था और इसका पूरा आंसर आ गया ये रहा, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन रिवर्स डायरेक्शन या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन। जल्दी से क्वेश्चन पूछ ताकि मैं अगला न्यूमेरिकल करूं। यस नितेश भैया, क्यूसी की वैल्यू क्या हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे हम किसी भी टाइम पे उसे मेजर करें? भाई क्यूसी की वैल्यू कांस्टेंट कैसे हो जाएगी किसी भी टाइम पे, क्यूसी की वैल्यू चेंज हो सकती है, केसी की वैल्यू कांस्टेंट रहती है हर रिएक्शन के लिए, क्योंकि तो अप डाउन होता रहेगा ना, वो तो किसी भी टाइम अलग अलग होता है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं हम, एक और न्यूमेरिकल है आपको ट्राई करना है, न्यूमेरिकल नंबर 21 एनसीईआरटी, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 21। चलो भाई स्टार्ट कर दो, 21 को स्टार्ट कर दो और बताओ कि क्या डायरेक्शन इसमें मिली, KC की वैल्यू है ये है आपकी, एट अ पर्टिकुलर टाइम आ गया ना, पर्टिकुलर टाइम, एनालिसिस शो दैट द रिएक्शन मिक्सर हैज द दिस फॉर N2, दिस फॉर H2, दिस फॉर अमोनिया, इज द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम, अगर नहीं तो बताओ कि वो किस डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है। जल्दी से स्टार्ट कर दो क्वेश्चन को, एक आंसर आ गया, ओके।
आपको बस QC निकालना है, QC, QC का खेल है बस। तो बताइए आंसर क्या आया, विनीत बताइए। फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेरी गुड, करेक्ट आंसर है फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है ना, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन करेक्ट आंसर है। और मैं बता दूं आपको इस तरह से आंसर देना है कि देखो QC पहली बार डजन इक्वल KC, इसका मतलब ये हुआ इज द रिएक्शन एज इक्विलिब्रियम, नो द रिएक्शन इज नॉट एट इक्विलिब्रियम। फिर आपको बताना है QC की जो वैल्यू है वो लेस है किससे, KC से, सो द रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बस खत्म, इतना ही। तो आज की क्लास के लिए हम इतने ही न्यूमेरिकल करेंगे, और अगली क्लास जो होगी आपकी वो और भी खास न्यूमेरिकल से हो जाएगी स्टार्ट, और हम अगली क्लास में इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगली कैम जो प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे। ठीक है ना, अगली प्रॉपर्टी। ये आपकी एप्लीकेशन थी, दो एप्लीकेशन तो आपको समझ में आ गया भाई अच्छी तरह से। अब तीसरी एप्लीकेशन जो है इसकी, ये वाली जो हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं, ये वाली रिएक्शन, थर्ड एप्लीकेशन ये। ठीक है,